तो डियर व्यूवर्स एंड लर्नर्स, मैंने फ़ोटोशॉप की जो प्रीवियस दो लेसन्स क्रिएट किए हैं वो देखें, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। वो ये देखें, पार्ट वन मैंने इंट्रोडक्शन का अपलोडिंग पे लगाया हुआ है और पार्ट टू भी लगाया हुआ है। आगे चलते हैं। प्रीवियस लेसन्स में हमने ये पढ़ा था कि न्यू कैनवस कैसे क्रिएट करते हैं और उसके जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमने देख ली थी। आज इस लेसन में हम ये करते हैं कि हम टूल्स पढ़ते हैं। तो टूल्स में सबसे पहला टूल ये है, इसको कहते हैं मूव टूल। यहाँ देखें, जब भी मैं इस पे पॉइंटर ले आता हूँ यहाँ लिखा हुआ आता है मूव टूल, ठीक है। तो मूव टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसको दाएँ बाएँ ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पर जो टूल है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ। देखें, मैंने जैसे राइट क्लिक किया, दरअसल इसको कहते हैं मार्की टूल, MARQUEE। तो MARQUEE मार्की टूल। और मार्की टूल दरअसल जो है, ये चार टूल्स हैं, रेक्टेंगल है, एलिप्टिकल है, और इसको एलिप्स भी कहते हैं, एलिप्टिकल भी कहते हैं, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। इन टूल्स का क्या काम है, ज़रा इसको सिर्फ देख लेते हैं। मैंने सबसे फर्स्ट टूल को क्लिक किया और यहाँ से देखें, मैं लेयर्स का जो पैलेट है उसको ओपन करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, देखें हमारे पास इस वक्त सिर्फ बैकग्राउंड का लेयर है। याद रखिए, यहाँ इस पे लॉक लगा हुआ है। लॉक लगने का मतलब ये है कि इस बैकग्राउंड के लेयर में हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। हम अगर एडिटिंग करेंगे तो उसके लिए हम न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। अच्छा, तो इसका जो नेम है, इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूं तो देखें ये क्या कह रहा है, न्यू लेयर। तो डबल क्लिक करने पर ये न्यू लेयर ले रहा है, ठीक है। मैं अगर इसको राइट क्लिक करूं और इसको रीनेम करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता हूं, रीनेम का ऑप्शन ये नहीं दे रहा है, ठीक है, इसलिए इस पर लॉक लगा हुआ है। और अगर लॉक आप ओपन भी करना चाहें, नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जब न्यू कैनवस लिया था उसमें हमने इसको इसी मोड पर रखा हुआ है। यहाँ पर देखें, इस पैलेट में जो बैकग्राउंड का लेयर है, इस लेयर में कुछ चीज़ें हैं। एक ये जो बटन है, इसको कहते हैं विजिबिलिटी, इंडिकेट्स लेयर विजिबिलिटी, ठीक है। अब देखें, अगर इस पर मैं चेक क्लिक करूँ, इस यानी कि इससे चेक हटा दूँ, तो ये इनविजिबल हो जाएगा। इसको हम बाद में पढ़ते रहते हैं, इसकी कई जगहों पर हम प्रैक्टिकल करते रहते हैं। और दूसरा है क्या है, लेयर थंबनेल। और तीसरा क्या है, क्या कहते हैं इसे, मैं ज़रा पॉइंटर इस पर ले आता हूँ और देखता हूँ अगर इसने बैनर में शो कर दिया। यहाँ पर लेयर का नेम होता है। तो आगे चलते हैं। मैंने मार्केट टूल लिया था, तो मार्केट टूल यहाँ से मैं देखें माउस के बटन से क्लिक करके यहाँ तक सिलेक्शन करता हूँ। और यहाँ देखें एक ऑप्शन होगा, इसको कहते हैं क्रिएट अ न्यू लेयर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखें मेरे पास यहाँ पर एक न्यू लेयर आ गया, ठीक है। और इसी न्यू लेयर में रहते हुए देखें, मैं इस पर क्लिक नहीं करता हूँ, मैं न्यू लेयर पर क्लिक करता हूँ। अभी न्यू लेयर क्या है, विजिबल है, एक्टिव है। और इस पर रहते हुए मैं इसमें कोई भी कलर वगैरह फिल कर सकता हूँ। तो कलर यहाँ देखें, यह हमारे पास दो कलर ऑप्शन होते हैं, एक फोरग्राउंड कलर होता है और एक बैकग्राउंड कलर होता है। फोरग्राउंड कलर जो है हमारे पास वो ब्लैक है और जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, ठीक है। मैं फोरग्राउंड कलर पर एक बार क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, देखें यहाँ से जो लेवल है इसको पकड़ें, इन टू पॉइंट्स को, और ऊपर नीचे जहाँ लेके जाना चाहें लेकर जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी एरिया पे। और कोई भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ओके प्रेस करता हूँ। देखें, यहाँ से मैं माउस का बटन प्रेस करके माउस को मूव करता हूँ, तो जहाँ मैं मूव करता हूँ वहाँ उस जगह का कलर यहाँ पर आ जाता है और उसकी कलर की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर शो होती हैं। देखें, ह्यूज इसमें कितने हैं, 158, सेचुरेशन 98% है। और क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ब्लू। फिर इसमें ब्लू जो है, ह्यूज सेचुरेशन एंड ब्लू 72%। लेकिन अगर हम इसको RGB मोड में देखें तो रेड की वैल्यू क्या है, इसमें 3 है, ग्रीन की वैल्यू 183 है और ब्लू की वैल्यू क्या है, 117 है। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू की जो वैल्यू है
वो ज़ीरो से शुरू होकर 255 पर ख़त्म हो जा सॉरी 256 पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ ज़ीरो से लेकर 256 के दरमियान हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब जैसे मैं इसको देता हूँ, लिखता हूँ कि रेट जो है वो मुझे 95% चाहिए, और मैं टैब दबाता हूँ कीबोर्ड से, और मैं यहाँ लिखता हूँ 85 जो है वो मुझे उसकी ग्रीन की वैल्यू चाहिए, और ब्लू की वैल्यू जो है वो मुझे 25 चाहिए। तो ये देखें, ब्लू की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, 35 थोड़ी कम कर देते हैं, 15 ठीक है, खैर 83 कर दी मैंने, बहुत ज़्यादा हो गई, अच्छा 57 कर देते हैं, कोई भी वैल्यू रखें। तो देखें, ये जो तीन वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इसी को मद्देनज़र रखें, यहाँ पर देखें नीचे एक हैश कोड आया है जिसको हेक्सिमल कोड कहते हैं, कलर्स का कोड होता है जो कि 6 लेटर्स पे मुश्तमिल होता है। यहाँ देखें ये कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखें फोरग्राउंड का कलर चेंज हो गया, और मैं अगर कीबोर्ड से अल्टर के साथ डिलीट प्रेस करूँ तो देखें क्या होता है, ये कलर सिलेक्शन के अंदर फिल हो गया, और अगर मैं कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस करूँ तो जो बैकग्राउंड का कलर था, यहाँ पर देखें इसका बैकग्राउंड कलर, वो इस सिलेक्शन में फिल हो गया, अल्टर के साथ फोरग्राउंड का कलर और कंट्रोल के साथ बैकग्राउंड का कलर, मैं अल्टर के साथ डिलीट प्रेस करता हूँ, ठीक है। इसी तरह इसके साथ हम कुछ और ऑप्शंस पढ़ते हैं, देखें मैं कंट्रोल डी अगर प्रेस करूँ, ये देखें डी सेलेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, सेलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट कंट्रोल डी, मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो देखें सिलेक्शन ख़त्म हो गई। अच्छा, मैं अगर जूम इन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल नहीं करना है। इन चार टूल्स के साथ, ये चार टूल्स जो हैं वो सब के साथ काम करते हैं। अब ये क्या है, ज़रा इनको भी देख लेते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आकर ये देखें, पहला लिखा हुआ है न्यू सेलेक्शन, दूसरा लिखा हुआ है ऐड सेलेक्शन, तीसरा लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेलेक्शन, और चौथा लिखा हुआ है इंटरसेक्ट विद सेलेक्शन। चारों देखते हैं, देखें न्यू सेलेक्शन पे मैंने क्लिक किया हुआ है, और मैं यहाँ से आके यहाँ तक सेलेक्शन करता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्शन करता हूँ। देखें यहाँ जब मैंने सेलेक्शन शुरू की तो ये वाली जो सेलेक्शन थी वो ख़त्म हो गई। इसी तरह ऐड पे क्लिक करता हूँ, ऐड को मैंने एक्टिव किया हुआ है। अब देखें मैं इसमें मज़ीद कुछ सेलेक्शन ऐड कर सकता हूँ, ये देखें ये मैंने ऐड कर दिया, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें, ये देखें ये इसमें मैंने ऐड कर दिया, ये जगह मैंने ऐड कर दी, ठीक है। इसी तरह थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेलेक्शन, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेलेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से देखें कुछ जगह जो है मैं उससे हटाना चाहता हूँ सेलेक्शन में से, ये देखें ये मैंने हटा दी जगह, ये जगह मैंने हटा दी, ये देखें ये सिलेक्शन का जो एरिया है ये मैं इसमें से काटना चाहता हूँ, ये देखें, ठीक। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट विद सेलेक्शन, ठीक है, तो मैं इसको इंटरसेक्ट करता हूँ। इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि ये जो सिलेक्शन मौजूद है ये और जो सिलेक्शन मैं अभी बनाऊँगा, इन दोनों के दरमियान जो मुतफर्रिक जगह होगी, यहाँ पे देखें इन दोनों के दरमियान क्या है, एक जगह मुतफर्रिक आ रही है, तो वो जगह रह जाएगी, बाकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये देखें बाकी पूरे का पूरा सिलेक्शन ख़त्म हुआ, और ये जगह क्या थी, इन दो सिलेक्शंस के दरमियान वो थी, कॉमन थी, तो इसलिए ये रह गई, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। यही ऑप्शन जो है वो हम इलेप्टिकल टूल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल नॉर्मल रेक्टेंगल लेते हैं। मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, याद रखिए आपका जो लेयर है, लेयर वन जो न्यू लेयर है वो एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे और मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। ये देखें वो कह रहा है कि क्या आप ये डिलीट करना चाहते हैं पूरा लेयर, मैं कहता हूँ नहीं कैंसिल। अच्छा, मैं ऊपर लेयर वन पर आता हूँ चूँकि मैंने एडिटिंग इसमें की है। अब मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो देखें मैंने उसमें से कुछ हिस्सा डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इलेप्टिकल मार्की टूल है। मैं यहाँ आता हूँ, देखें न्यू सेलेक्शन है, मैं ऐड करता हूँ, चलें ऐड सेलेक्शन पे आते हैं। ये देखें कोई भी एरिया हो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, देखें मैं नॉर्मली जब इलेप्टिकल टूल की मदद से इलेप्टिकल बनाता हूँ तो वो देखें बेजवी शक्ल बन जाता है, लेकिन अगर मैं कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखूं तो देखें बिल्कुल उसमें परफेक्ट साइज़ में, यानी जिसकी विड्थ और हाइट बिल्कुल सेम होगी
इस साइज़ में ये क्या है कि इलेप्टिकल बनेगा। देखें, ये मैंने इलेप्टिकल बनाया, और जहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ यानी कि इस पॉइंट से मैं इलेप्टिकल बनाना चाहता हूँ, या इस पॉइंट से बनाना चाहता हूँ। और देखें, मैंने माउस से पहले क्लिक किया लेकिन माउस का बटन मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है, और मैं शिफ्ट बटन दबाता हूँ कीबोर्ड से। अब देखें, शिफ्ट छोड़ देता हूँ, ये देखें, अब शिफ्ट दबाता हूँ, ये देखें, और शिफ्ट के साथ अल्टर का बटन जो है वो प्रेस करके रखता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो शिफ्ट और अल्ट का फ़ायदा ये होता है कि जिस जगह से हमने सिलेक्शन ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करना शुरू किया हुआ है वो इसका सेंटर पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अब मैं पहले माउस का बटन छोड़ देता हूँ और फिर अल्टर और शिफ्ट छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह ये देखें, मेरे सामने क्या है, जो कलर है, कलर में मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है हमारे पास कलर फिल। ये कलर फिल के दो ऑप्शन है, ग्रेडियंट और पेंट बकेट टूल। तो पहले हम पेंट ले देते हैं, पेंट बकेट, और यहाँ से कोई और कलर चूज़ करते हैं, ठीक है। मैं ये कलर चूज़ करता हूँ, ओके करता हूँ, और इसी सिलेक्शन के अंदर मैं क्लिक करता हूँ एक बार। तो देखें, कमाल की बात यह है कि इस सिलेक्शन के अंदर जहाँ जहाँ कलर पहले से लगा हुआ था सिर्फ उस पर इसने कलर अप्लाई किया, जहाँ जहाँ कलर नहीं लगा हुआ है वहाँ मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ भी कलर फिल हो जाएगा, ठीक है, ये देखें। तो अब क्या है, इस पूरे सिलेक्शन के अंदर कलर फिल हो गया। मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, दोबारा इसी टूल पे जाते हैं। इसके साथ साथ एक और टूल था, वो देखते हैं। अच्छा, वो टूल क्या है, उसका नाम क्या है, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। पहले सिंगल रो मार्की टूल पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ देखें, मैं यहाँ आके देखें, मुझे यहाँ से रूलर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इस रूलर पे अगर राइट क्लिक करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि आपका रूलर किस चीज़ में है, mm में है। मैं इसको पिक्सल में रखना चाहता हूँ, ये देखें, मैंने पिक्सल में रखा। और अगर ज़ूम इन करना चाहते हैं अपने फाइल उसको, कैनवस को, तो अल्टर के साथ अपने माउस का स्क्रॉल बटन यूज़ करें, तो उससे कीबोर्ड से अल्टर दबा के रखें और अपने माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उसको आगे पीछे की तरफ घुमाएं। तो देखें, आप किसको क्या कहते हैं, अपने कैनवस को ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें, ये हैंड आइकन आ गया। मैं कीबोर्ड से स्पेस का बटन दबा के रखता हूँ और कैनवस को पकड़ के कहीं भी लेके जाता हूँ, ये देखें, माउस की मदद से कैनवस को पकड़ता हूँ, और फिर जहाँ भी रखना हो मैंने यहाँ रखता हूँ, कि माउस का बटन छोड़ देता हूँ, कीबोर्ड से स्पेस का बटन छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर इस पॉइंट पे देखें, ये मुझे यहाँ पे भी ज़ीरो बता रहा है, और इस पॉइंट पे यहाँ देखें, जो वर्टिकल रूलर है यहाँ पे भी ज़ीरो बता रहा है। रूलर को आपने अगर हटाना हो तो व्यू पे आएँ और यहाँ लिखा हुआ है रूलर्स, तो रूलर्स पे से चेक हटा दें, या कंट्रोल आर मेरे ख्याल में इसकी शॉर्ट की है, ठीक है, तो उसी से वापस आ जाता है। या इस पे चेक लगाएं तो रूलर विजिबल हो जाएंगे, और चेक हटाएं तो रूलर इनविजिबल हो जाएंगे। हमने लिया है रो मार्की टूल, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, और देखें, मैंने माउस का पॉइंटर पकड़े रखा है और यहाँ छोड़ देता हूँ। तो देखें, यहाँ मैंने एक बार क्लिक किया तो एक लाइन लग गई। अब मैं देखें, माउस का स्क्रॉल बटन यूज़ करता हूँ और मैं पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, और यहाँ से देखें, मैं ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा नीचे जाके एक और बार क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने क्लिक किया हुआ है, बटन मैंने अभी तक नहीं छोड़ा, माउस का बटन नहीं छोड़ा है, अभी छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन लग गई, ठीक है, यहाँ आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी एक लाइन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। मैंने तीन लाइनें लगाई, इसी तरह आप वर्टिकली भी लाइनें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से आता हूँ, ये लिखा हुआ है सिंगल कॉलम मार्की टूल, और यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। अब आते हैं, देखें, मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, सिर्फ एक बार क्लिक किया तो देखें लाइन लग गई। मैं यहाँ पे बिल्कुल इसी लाइन पे, ये देखें, जहाँ आप क्लिक करना चाहें, जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, अब मैं आता हूँ, ये जो लाइनें लगी हुई हैं
इन लाइनों को मैंने कलर देना है, ठीक है। एडिट पे आता हूँ और यहाँ कहीं लिखा हुआ होगा स्ट्रोक, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये करते हैं, हम एक न्यू लेयर लेते हैं, ठीक है। ये जो लेयर है इसको हम अपनी जगह देखें, इनविजिबल या विजिबल रखें, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट से उसी तरह रख सकते हैं। न्यू लेयर में लेता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से देखें, मैं जो स्ट्रोक है यानी कि लाइन का बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर की जो विड्थ है वो, यहाँ से मैं लिखता हूँ, एक एग्जांपल है 5 pixels, सॉरी शायद मेरा कीबोर्ड चेंज है, मेरा कीबोर्ड अरेबिक में आ गया, मैं वापस इंग्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं 5, और यहाँ जो कलर है इस कलर पे मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार, इस कलर पे, यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ से आ जाएं, कोई भी कलर अगर आप रखना चाहें, जो भी कलर आपको पसंद हो रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। ओके प्रेस करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, ये देखें, तो ये देखें लाइनें आपको नज़र आ रही हैं कैसे लग गई। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो ये देखें, और अपने कैनवस को ज़ूम आउट करता हूँ, ये देखें, कीबोर्ड से मैं जेड प्रेस करता हूँ, और यहाँ जैसे मैंने जेड प्रेस किया, यहाँ देखें ऊपर जूम के जूमिंग लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है, और जूम की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, एक्चुअल पिक्सल्स, और फिट स्क्रीन पर क्लिक कर देते हैं तो पूरा कैनवस आपका स्क्रीन पर फिट हो जाता है। फुल स्क्रीन पर क्लिक करें तो इस तरह आ जाता है, यानी कि जो फाइल की विड्थ है वो स्क्रीन पर फिक्स हो जाती है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रिंट साइज़ पे क्लिक करें, तो प्रिंट साइज़ इसका यही है, ठीक है। मैं फिट स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ, सॉरी ये फिट स्क्रीन, ठीक है। और कीबोर्ड से मैं वी प्रेस करता हूँ, वी, वी फॉर वेलोसिटी। तो जैसे ही मैं वी प्रेस करता हूँ तो देखें ये जो मूव टूल है ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अच्छा, मार्की टूल जो है उसके लिए उसकी शॉर्ट की क्या है, यहाँ राइट क्लिक करके देखते हैं, एम, एम इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। तो आज का लेसन इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।